नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय की ओर से वैकेंसी सशस्त्र सीमा बल की निकाली गई है और यहाँ पर जो आपको पोस्ट मिलने वाली है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की तरफ से वैकेंसी है। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय की वैकेंसी जहाँ पर रहने वाली है पूरे भारत से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सब इंस्पेक्टर पैनल स्टाफ नर्स में मेल के लिए, बाकी टॉप्समैन कम्युनिकेशन के लिए इंडिया के अलावा नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स बताएंगे, पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार टाइप की वैकेंसी मिलेगी जिसमें सब इंस्पेक्टर पैनल, सब इंस्पेक्टर टॉप्समैन और सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल की टोटल वैकेंसीज आपको मिलेगी 111 जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल वैकेंसीज 10% जो है पूर्व सैनिकों के लिए आपको यहाँ पर मिलने वाले। एक्सेस मैन अवेलेबल नहीं होने पर ये वैकेंसी नॉन एक्सेस मैन को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन जो इसका SSP का जो ऑफिशियल एड्रेस है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 35,400 से 112,400। उसके अलावा अदर जो अलाउंसेज हैं, DNS अलाउंस, राशन अलाउंस, मनी अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस एंड अदर अलाउंस जो TPTL होता है, आने जाने का होता है, सब SSP के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है वो सब यहाँ पर दिया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट क्या क्या रखी गई है दोस्तों, उसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। सब इंस्पेक्टर पायनियर के लिए 30 साल मैक्सिमम है। उसके अलावा डिप्लोमा डिग्री आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर टॉप्समैन के लिए 30 साल मैक्सिमम है। मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में दो साल का आपके पास NTC यानी नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 1 साल का आपके पास कोर्स या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस जो है ऑटो कार्ड में होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए जिनके पास भी डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या फिर साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जिन्होंने किया है वो इम्प्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कॉर्पस ऑफ सिंगल्स EME या फिर आई पोस्ट नेवी के भी संबंधित डेट से कर सकते हैं जिनको भी डिप्लोमा मिला। सब इंस्पेक्टर जो स्टाफ नर्स है ये फीमेल के लिए है तो इसके लिए 10+2 इसके लिए चाहिए और संबंधित आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्सेस मैन को जो आपने मिलिट्री सर्विस की है उसको वो तो टोटल AC माइनस करने पर 3 साल और यहाँ पर आपको छूट मिलने वाली है। ऑनलाइन के माध्यम से इसकी ऑफिशियल एड्रेस से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिफिनेशन ऑफ एक्सेसमैन के बारे में बताया गया कि जिन्होंने आर्मी एयरफोर्स नेवी में सर्विस किया है वो यहाँ पर एक्सेसमैन कहलाएंगे दोस्तों। मैट्रिक एक्सेसमैन के बारे में बताया गया है कि मैट्रिक जो भी एक्सेसमैन है जिनके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है उसके बेस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 15 साल सर्विस किया है दोस्तों। यदि ग्रेजुएशन मांगा है और आपके पास संबंधित नहीं है यहाँ पे कुछ फीस वगैरह रखी गई है तो 2,200 रुपये, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे एग्जेम्प्टेड किया गया जिसकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे बताई गई है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर फिजिकल पूर्व सैनिकों का होने वाला नहीं है दोस्तों, दौड़ भाग नहीं होगा, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे 1.6 किलोमीटर 6:30 में आपको दौड़ना है, लेकिन जो ये है इसका नाम है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET, और यहाँ भी बताया गया है कि एक्सेस मैन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम PET यानी कि पूर्व सैनिकों को यहाँ पर PET से एग्जाम्प्टेड किया गया है, जिसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सेस मैन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम PET और ये जो PET का स्टैंडर्ड दोस्तों इसमें बताया गया है कि 1.6 किलोमीटर आपको 6:30 कम्प्लीट करना, तो पूर्व सैनिकों को यहाँ पर नहीं जाना होगा। बाकी और सभी आपको अटेंड करने होंगे लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर फिजिकल एब्सेंटी टेस्ट नहीं देना, यानी कि बिना दौड़ भाग के आप यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं। कुछ हाइट वगैरह रखी गई है जिसमें कि कुछ हिल एरिया की जो भी हैं और भी यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख वगैरह, सिक्किम या फिर बिलोंग टू मराठा, गोरखा, कुमाऊँ, गढ़वाली, सबको यहाँ पर कुछ छूट है। बाकी
के लिए 180 मेल के लिए है तो उनके लिए 165 है, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कॉमन सेंटर टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताएगा दोस्तों, किस तरह से टेस्ट होने वाला है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है, और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना 20 मई 2023 से शुरू हो गया है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है दोस्तों 18 जून 2023, यानी कि 18 जून तक आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। 18 जून से पहले आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। तो ये वैकेंसीज SSB की ओर से, सब इंस्पेक्टर के और भी पोस्ट निकले गए हैं SSB की तरफ से, जिसको मैं वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जय हिंद।